सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के साथ पूरी उम्र उनका साथ देने वाले भाई मर्दाना जी के वंशज जो हैं, जो उनकी पारिवारिक पीढ़ियां हैं, उनके हालात लुधियाना और पंजाब में बद से बदतर हैं। इस समाज का नाम मरासी समाज हुआ करता था और आज ये भंड के नाम से जाने जाते थे, जो लोगों का मनोरंजन करके लोगों के शादी विवाह में जाकर उनका मनोरंजन करते हैं और उसी से जो बधाई मिलती है उसे अपना पालन पोषण करते हैं। इस टाइम भी असं बहुत तंगी दे विच रह रहे हैं, जो कि साढ़े हालात चंगे नहीं गए, क्योंकि इन्हें बधाई के नाल साडा गुजारा नहीं होता। उतो लोग सगों जी कह कह के तो साढ़े कहते जी इन्हों का लाग बनया जाए, इन्हों की बधाई बंधी जाए, प्रबंधक जो भी महल्या के पिंड इस गल नूं लै के लाग बना की मतलब कोशिश करते हैं कि इन्हों का लाग बनया जाए। अच्छा, ते तुहाडा रहन सहन किस तरह का, जमीन वगैरह किदां, तुहानू किस तरह? जमीन साढ़े कोई जमीन नहीं है जी, कोई वाहन वाली जमीन नहीं है, सिर्फ घरां दे विच इही एक कमरा ने जिहदे विच असीं काफ़ी तीन चार परिवार रह रहे हैं। प्रशासन वालों बहुत सारी स्कीमां बनदियां ने, तुहाडे तक पहुंचदियां ने जी? नहीं, साडे वाले तो कोई नहीं आया सरकार। अच्छा, ते बड़ा मंदा हाल है, पानी हो वा यार, लाइट तो वा यार, जगह तो वा यार, अच्छा कोई कोठा नहीं, कोई मकान नहीं। भंड यानी मरासी समाज के इन लोगों को पंचायतों द्वारा और जो समाज के संपन्न लोग थे उनके द्वारा रहने के लिए जमीन दे दिया जाया करती थी, और जिसमें ये आज भी बेजमीने होकर एक एक 100 गज के स्क्वेयर गज स्क्वेयर यार्ड के गज मतलब 100 गज के जगह में तकरीबन 70-80 लोग एक परिवार के रहते हैं, जिनमें 8-10 परिवार एक जगह रहने को मजबूर है। इन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अपील की है कि गुरु नानक जी का नाम इतना है तो उनके साथ में जीवन गुजारने वाले भाई मर्दाना जी के जो हम वंशज हैं, इनको भी पूर्ण तौर पर सामाजिक मर्यादा, मान मर्यादा और अधिकार दिए जाएं, ताकि ये भी अपना जीवन निर्वाह कर सके। लुधियाना से इंडिया नड के लिए जय कुमार।